2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 में 255 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। यानी 2022 में यूपी की विधानसभा में 57 सीटों का नुकसान और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तो यूपी ने बीजेपी को झटका ही दे दिया, 29 सीटों का नुकसान। साथ ही अयोध्या भी हाथ से गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2024 चुनाव के बाद क्या मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के सामने योगी आदित्यनाथ मजबूती बन गए हैं या फिर मजबूरी? योगी आदित्यनाथ के सामने क्या चुनौतियां हैं या वो खुद किसी के लिए चुनौती है? योगी का टकराव किससे है? योगी से क्यों नाराज है यूपी में अपने? क्या योगी के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है? योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान क्यों नहीं है? योगी के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या योगी अकेले पड़ गए हैं? चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। ये चुनावी नतीजा तब आया है जब बीजेपी 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी। माना जा रहा है कि बीजेपी को अकेले बहुमत न मिलने से मोदी कमजोर हुए हैं। रणनीति शाह की थी तो वो भी कमजोर हुए हैं। यूपी में ज्यादा सीटें आई होती तो योगी भी बड़े बनकर के उभरते। योगी की आकांक्षा पीएम बनने की है या फिर मोदी के बाद नंबर दो बनने की है? अगर योगी को लगातार उभरने दिया तो आगे चुनौती बनेंगे। माना तो यह भी जा रहा है कि मोदी शाह की स्थिति अभी यह है कि वो न योगी को निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। एक फांस की तरह योगी मोदी और शाह के गले में अटके हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई इतिहास रचे हैं, मगर लगातार 10 साल की सत्ता के बाद अब पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। सपा का मजबूत होना बीजेपी के लिए चुनौती बनता है। चंद्रशेखर आजाद भी जीते हैं, आगे जाकर जाटव वोट भी चंद्रशेखर के पास जा सकता है। दूसरा, राहुल गांधी का ग्राफ एकदम से बढ़ गया है। संसद टीवी पर राहुल के व्यूज मोदी से 20 गुना ज्यादा हैं। गूगल सर्च के डेटा में भी राहुल गांधी आगे हैं। बीजेपी के लिए बंगाल खिसक चुका है, आसाम खिसक रहा है, यूपी में दिक्कत है, महाराष्ट्र में लोगों का झुकाव उद्धव की तरफ चला गया है, हरियाणा में कांग्रेस ही फायदा उठा सकती है। मगर इन चुनावों से पहले यूपी में जो अटकलें लग रही है उससे क्या संगठन और सरकार दोनों कमजोर हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो जो राज्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का सबब बने उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रहा। बीजेपी लोकसभा में बहुमत के 272 के आंकड़े से जितनी पीछे रही वो अकेले यूपी पूरा कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर चर्चाएं थमी नहीं है। फोकस में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। एक ओर जहां केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी की चर्चा गर्म है, वहीं दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है जो उन्होंने जेल से बाहर आकर की थी। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी केंद्र में दोबारा सत्ता में आई तो योगी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब आते हैं यूपी में। याद कीजिए, साल 2021 में यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार होने को था। अटकलें थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अनबन है। तभी 21 नवंबर 2021 को दो तस्वीर सामने आई। एक में मोदी योगी से कुछ कहते हुए दिखे, दूसरे में कैमरे की तरफ पीठ किए हुए मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखे। योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट से इन तस्वीरों को साझा किया गया और लिखा गया कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। अब इसके अगले 2.5 साल में योगी दोबारा यूपी के सीएम बने और मोदी तीसरी बार पीएम। वहीं एक चीज गौर करने वाली है, 2017 के बाद से बीजेपी के ग्राफ में और पकड़ दोनों में लगातार यूपी में कमी देखी जा रही है। वहीं अब ये समझिए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने बीते चुनाव में कई राज्यों में जाकर स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार किया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुरुआती नामों में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। लेकिन कैसे योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक बने, ये समझने वाली बात है और इसको कनेक्ट कर सकते हैं अभी के माहौल से। एक वक्त में अजय बिष्ट उर्फ यानी कि योगी एबीवीपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, मगर जीत नहीं सके थे। ये योगी आदित्यनाथ की चुनावी रणनीति की पहली और इकलौती हार है। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार यूपी का सीएम बनने तक योगी
खुद चुनाव कभी नहीं हारे हैं। देखा यह भी जाता है कि अगर कभी पार्टी के भीतर या योगी की बात न सुनी जाए तो इसका असर चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिलता है। जानकारों के मुताबिक योगी का बीजेपी में रहते हुए ही पार्टी नेताओं से टकराव रहा है। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रखकर टिकट मांगा करते हैं। कई बार योगी ने बीजेपी के खिलाफ ही बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और प्रचार भी किया, ऐसा माना जाता है। योगी बनाम बीजेपी के बड़े नेताओं का यही टकराव लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर दबी जबान में सामने आ रहा है। इस टकराव की बात दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मई 2024 में कही थी। एक चुनावी सभा में केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग, यानी कि बीजेपी, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे, ऐसा बोला था केजरीवाल ने। मगर यहाँ ये समझना जरूरी है कि यूपी से दिल्ली तक योगी के लिए अपने विधायक नेता सहयोगी ही क्यों चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि योगी से क्यों नाराज हैं यूपी में अपने बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेवाल की नेता और एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया ने कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। ये उन्होंने डायरेक्ट योगी पर हमला किया था, जबकि वो खुद घटक दल से थी, बीजेपी की और एनडीए की जो पार्ट है उससे थी। वहीं योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बुलडोजर की भी खास अहमियत है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की रैलियों में कई जगहों पर बुलडोजर भी खड़े किए गए थे। इसी पर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी 16 जुलाई को कहा था कि अगर बुलडोजर बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। मतलब वो लोग अगेंस्ट जा रहे थे और अगेंस्ट बीजेपी के अगेंस्ट कहें या फिर योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज उठा रहे थे। जानकारों का कहना है कि दिल्ली से इशारे के बिना ये सब संभव नहीं है और ये योगी के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। और सबसे अहम, योगी सरकार में मंत्री नेता बनाम अधिकारी की लड़ाई भी जोरों पर रही है। मंत्री और अधिकारी के बीच सही तालमेल नहीं बिठा है। कहा तो यह भी जाता है कि अपने चुनावी क्षेत्र में भी विधायकों को अफसरों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी आम लोगों के काम पूरे नहीं होते। अब सवाल यह है कि क्या योगी ने वाकई अधिकारियों को ज्यादा छूट दी है। कहा यह जाता है कि पहले की सरकारों में कोई विधायक सांसद शिकायत लेकर लखनऊ पहुंच जाता था तो खतरा बना रहता था अधिकारियों के ऊपर, ट्रांसफर भी जल्दी जल्दी हो जाते थे, मगर योगी सरकार में ऐसा नहीं है। कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने वाले विकास दुबे का इनकाउंटर हो, या फिर 2020 में हाथरस गैंग रेप मर्डर केस में जिलाधिकारी को हटाने की मांग, या फिर कुंभ मेले के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी, योगी और अधिकारियों के रिश्ते को आप ऐसे कई वाक्यों से समझ सकते हैं कि कितने अच्छे रिश्ते रहे हैं योगी के और अधिकारियों के बीच में। अब सवाल ये भी है कि क्या मोदी मॉडल को अपना रहे हैं योगी। एस जयशंकर, आर के सिंह, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मेघवाल जैसे कई बड़े नाम हैं जो पहले वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे और बाद में मोदी कैबिनेट में जगह बना सके। अधिकारियों पर निर्भर रहने वाला मॉडल गुजरात में बतौर सीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनाया था। गुजरात के कई अधिकारियों को मोदी दिल्ली लेकर के भी आए थे। अब सबसे अहम सवाल, योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान क्यों नहीं है, इसी में छुपा है इसका राज। इसका जवाब है, बीते कुछ सालों में बीजेपी शासित राज्यों और इन नामों को याद कीजिए, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, गुजरात विजय रूपाली, त्रिपुरा विप्लव देव। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को सीएम कुर्सी से दूर किया है। दूसरे दलों की तरफ बीजेपी आलाकमान कभी इस खौफ में नहीं दिखी कि पार्टी टूट सकती है। इसी कारण बीजेपी उन नेताओं को भी सीएम बना सकी जिसके नाम का किसी को अंदाजा भी नहीं था। और इस बार जो मेन लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले 3 राज्यों में जो देखा गया था, चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर MP हो, यहाँ इसका असर देखा गया था। मगर यूपी के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसकी क्या वजह है? कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की मजबूरी भी है और मजबूती भी। आप योगी को हटाएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे और बीजेपी का ही नुकसान करेंगे। मजबूती इसलिए है
दूसरे राज्यों में भी अगर मोदी के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड किसी नेता की आती है तो वो है योगी। योगी ने फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि को बहुत अच्छे से बनाया है। दूसरी वजह है नाथ संप्रदाय जो पूरे देश में फैला है और योगी उनके महंत हैं। बीजेपी इसकी उपयोगिता को समझती है अच्छी तरीके से। और योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं। जानकार कहते हैं कि योगी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ठाकुरों में काफ़ी बढ़ चुकी है। उत्तर भारत में इसकी संख्या ठीक ठाक है। इसे खोने का भी बीजेपी को डर है, इसी वजह से योगी को हटाना आसान नहीं है। मोदी शाह और बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? ऐसे हालात जहां योगी का कद बढ़ने की संभावना है और पार्टी को भी कमजोर होने से बचाना है, तब मोदी और शाह की अगुवाई वाली बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी शाह और योगी तीनों के लिए एक ही चुनौती आ रही है। ये वो समय है जहां बीजेपी का कमजोर होना दिख रहा है। लोकसभा चुनाव ने भी इसको सामने ला दिया है। पार्टी के कमजोर होने पर जिसकी लोकप्रियता ज्यादा होगी वो भी नीचे आ जाएगी। योगी मोदी के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी शाह के लिए है, ऐसा माना जाता है। मोदी को तो अब अपना वारिस तैयार करना है। ये बात सही है कि अमित शाह की पूरे देश में न उतनी अपील है और न जाति के मामले में कोई बढ़त है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि अमित शाह और योगी में क्या फर्क है। योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की अटकलों में बीजेपी क्या करेगी, ये भी अहम सवाल है। माना यह भी जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को हटाना अब आसान नहीं है। वो ओबीसी हैं और मौर्य को हटाया तो कहा जाएगा कि पिछड़े विरोधी हैं। वहीं संविधान विरोधी वाला नैरेटिव चला जा रहा है। हर दिन योगी को सावधानी से चलना होगा। योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती है कि क्या वो सीएम बदलने के लिए हिम्मत जुटा पा रही है। अब ये समझना जरूरी है कि योगी के सामने क्या चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ के सामने सिर्फ पार्टी से जुड़ी चुनौतियां हैं। अपने काम करने के तरीके, पत्रकारों पर की जाने वाली कार्रवाइयां, बुलडोजर बाबा की छवि और मुसलमानों के प्रति अपने रुख को लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठते रहे हैं। मगर इन दिनों योगी के सामने सवाल अपनों ने खड़े किए हैं। दो चीजों ने योगी को नुकसान पहुंचाया है। अपराधियों को योगी ने मरवाया जो जेलों में डलवा दिया। वो बहुत सारे लोग दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के बीच से आते थे। कानूनन ये लोग अपराधी थे मगर मतदाताओं के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थे, इनका प्रभाव था। फिर जो बुलडोजर चलाया गया इसका भी नुकसान हुआ है। वहीं अगस्त 2024 में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। 2022 में इन 10 सीटों पर सपा 5 और बीजेपी 3 सीटों पर जीत सकी थी। जो उपचुनाव होने जा रहा है इसी पर योगी का बहुत कुछ निर्भर करेगा, ये है सच्चाई। वहीं अखिलेश के उभरने से चुनौती बढ़ चुकी है। इन चुनावों में यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सपा भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अगर इस चुनाव में योगी अपनी कुर्सी बचा ले गए तो वो ताकतवर बनकर उभरेंगे। सपा कांग्रेस ने जैसे असर अपना इस चुनाव पर दिखाया है, तब तक वो इस माहौल को बनाए रखेंगे ऐसा होना मुश्किल ही है। इसकी तुलना में योगी ज्यादा प्रभावशाली बीजेपी के अंदर हो जाएंगे। योगी मोदी से ज्यादा शाह के लिए चुनौती बनेंगे। तो ये जो चुनाव है ये काफी ज्यादा निर्भर करेगा अभी जो होने वाला चुनाव है कि योगी का फ्यूचर किधर जाएगा और वो कितने ताकतवर बनकर उभरेंगे। अभी आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।